वेलकम टू स्लिंग मशीन गुरु। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो फुट के विषय में बताने वाले हैं कि सिलाई मशीन में किस किस प्रकार के फुट आते हैं और किस किस रेट में अवेलेबल मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर 120 से लेकर 125 वीडियो है। सिलाई मशीन के दुकान वालों के भी रिव्यू हम जानते हैं और आपको हर सिलाई मशीन की जानकारी लेके आते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हो हम लोगों ने कितने सारे फुट रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये जो आप फुट देख रहे हो, ये फुट जो लगते हैं ये पोर्टेबल मशीन के, यानी कि जैसे उषा ब्रदर सिंगर जो प्लास्टिक वाला फाइबर वाला मशीन आता है ये उनके लिए है। आप देख पा रहे होंगे ये पिको का है, ये केक है, अलग अलग जैसे कि पिंटाक्लिक फुट है, ये देखिए। इनकी रेंज आपको मार्केट में 150 रुपये से लेके 450 रुपये तक मिल जाती है, जैसी क्वालिटी की आप लोगे, ठीक है। ये 150 रुपये वाली क्वालिटी की मैंने मैनेज की हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये 150 रुपये वाली है अलग अलग चीज़ के लिए। इसमें सिंगल फुट भी है, इसमें पाइपिंग फुट भी आ जाता है, ये डबल नीडल के लिए काम में आता है ये। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे सिलाई मशीन की तरफ, अम्ब्रेला मशीन के लिए। अम्ब्रेला मशीन में बहुत सारी क्वालिटी होती है। अम्ब्रेला मशीन में देखिए ये जीप मशीन, जीप के लिए लगता है, जो चैन लगाने के काम आता है। ये आपको मिल जाता है मार्केट में 50 रुपये से लेकर 90 रुपये तक, जैसे आप जिस तरीके से आप ख़रीदना चाहो अलग अलग रेंज में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलाई मशीन में और फिर बाकी ये 30 का मिल जाएगा आपको, ये 40 का मिल जाएगा, ये ऐसा जो आएगा वो 70 से 90 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। नीडल गार्ड लगाया हुआ होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये तो हो गई अब अम्ब्रेला मशीन की बात, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि अम्ब्रेला मशीन में पिको होता है क्या। देखिए उसमें पिको तो नहीं होता, हाँ आप पट्टी गोल करने के लिए एक फुट आता है अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला में हो या फिर आप हैवी हाई स्पीड मशीन में भी इसको लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो ये आ जाता है, उसके बाद आपको पिको फॉल जैसी पट्टी बनानी है तो ये आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। ये 90 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में मिलता है, जैसे देखिए ये रहा, आप देख पा रहे होंगे ये फुट आता है, उसके बाद ये फुट आता है, ये 150, 250, 300 अलग अलग फुट है। मैं सबकी रेंज बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में आपको, ठीक है। उसके बाद ये आता है, आप देख पा रहे होंगे ये रेक्सिन के लिए है, जो हाई स्पीड मशीन में आपको जैसे थैली का कपड़ा हुआ या बैग का कपड़ा हुआ जल्दी नहीं सरकता है, तो आप देख सकते हो ये बेयरिंग वाला फुट भी आता है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप रेक्सिन का कपड़ा चलाते हो या बैग का कपड़ा चलाते हो तो ये अम्ब्रेला में भी फिट हो जाता है। इसकी रेंज आपको मार्केट में 150 रुपये तक मिल जाएगी, ठीक है। और किसी मेरे दोस्त ने कहा था कि मार्केट में जापान का फुट मिलता है, कि ये रहा जापान का फुट, आप देख पा रहे होंगे ये जापान का फुट है, ब्लैक कलर में आता है। इसकी रेंज मार्केट में 150 से लेके 250 तक मैनेज हो जाती है। आप कहोगे कि परफेक्ट रेट क्यों नहीं बता रहा। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं सर इससे महंगा है, सर इससे सस्ता भी मेंटेन होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है वो चलता नहीं है सही से। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी अगर अच्छी खरीदोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी ये रेक्सिन के लिए होते हैं ये सब फुट, आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के, आप मैंने यहाँ पे भी मैनेज किए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये और लुक का है, ये 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक मैनेज हो जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल होल वाला फुट आता है, ये पाइपिंग के लिए है या फिर आपको जिप लगाना हो, सबसे पतला फुट आता है। ये अम्ब्रेला में भी लग जाता है, हाई स्पीड मशीन में भी लग जाता है, इम्पोर्टेड मशीन में भी लग जाता है। सिंगल निडल के लिए है ये भी सिंगल निडल के लिए है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए यहाँ पे ये बैग के लिए आता है और ये पाइपिंग के लिए। बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि पाइपिंग का फुट कैसा आता है, ऐसा आता है, सिंगल में आता है और एक स्प्रिंग के साथ जो आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा भी आता है पाइपिंग के लिए। ये यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ये देखिए
ये मेरे टेलर भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइबर के फुट किस काम में आते हैं। अगर समझ लीजिए कि कपड़ा सही से नहीं सरकता है, या फिर का ऐसा कोई कपड़ा है जैसे कि नेट का है, उसके बाद जो आजकल मार्केट में जो साड़ियों के लिए थैलियाँ बनती है ना, तो उस पर क्या होता है, ये जो नॉर्मल फुट हम लगाते हैं तो ये कपड़े को चिपक जाता है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर से कपड़े के ऊपर निशान पड़ जाते, इसके ऊपर नहीं पड़ते, क्योंकि ये हल्का आता है, ये हल्का आता है और इस फिनिशिंग में आपको समझ में नहीं आएगा। आप देख पा रहे होंगे नेट के लिए हुआ या फिर थैली के लिए बेस्ट आता है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी आपको 30 रुपये से, मात्र 30 रुपये से लेकर, आप देख पा रहे होंगे इनके ऊपर MRP भी लिखी हुई है, 30 रुपये से लेके ये भी 150 रुपये तक अलग अलग प्रकार में मिल जाते हैं। और ये फाइबर भी खाली मिल जाता है, ये पिन निकलती है इसमें से, आप खाली फाइबर भी खरीदना चाहो तो मिल जाता है। बाकी ये 350 रुपये का है, ये 30 या 35 नीडल में भी लग जाता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, जितनी रेंज मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने अम्ब्रेला हाफ शटल से लेके हर मशीन का मैंने आपको ये फुट का सारा बता दिया है। और ये मैं जो जिसका वीडियो बना रहा हूँ ये गोहिल इंजीनियरिंग का है, गोहिल इंजीनियरिंग में आपको हर चीज़, आप समझ लीजिए कि मशीन का ये छोटा सा हब है, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरत में है ये शॉप, सूरत में ही है, और एड्रेस भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। और मैं आपको एक चीज़ बड़े आग्रह से करना चाहूँगा कि आप कॉल ना करें। आप क्या करते हो कि कॉल इतने करते हो कि हर किसी का हम कॉल नहीं उठा सकते, तो प्लीज़ मैं अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूँगा तो सिर्फ व्हाट्सअप करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ व्हाट्सअप करें। आपने देख पा रहे होंगे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि और एक फुट जो आता है रोलर आता है, वो रोलर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फुट की जगह पे फिट हो जाता है, देखिए इसे रोलर कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये चप्पल सीने वाली मशीन है। हाँ आपने सही सुना, ये चप्पल सीने वाली मशीन है, आप देख पा। मैं इसका भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मान ना जाए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ये आपको मिल जाता है मार्केट में 150 रुपये के आसपास मिल जाता है ये। उसके बाद ये जो अटैचमेंट लगा हुआ है इसके साथ, ये खाली फुट 150 रुपये का और ये अटैचमेंट 500 रुपये का, यानी कि 650 रुपये के आसपास ये पूरा सेट लग जाता है मशीन में, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप सूरत में हो तो गोहिल इंजीनियरिंग में ज़रूर विजिट करें, आपको और भी एंटिक चीज़ें देखने मिलेंगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो मैंने आपको रेट भी बता दिए हैं और उसके बाद हर कौन सी मशीन का कौन सा फुट यूज़ होता है वो भी बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलता है कौन सा वीडियो बनाना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो कि और कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।